नमस्कार साथियों, बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर आज कर्मचारी चयन बोर्ड पर हमने प्रदर्शन किया। लगातार पिछले 10 दिनों में करीबन हमने 3-4 बार बोर्ड पर प्रदर्शन किया बेरोजगारों की मांगों को लेके, चाहे वो रीट का परिणाम हो, बीसी 610 का परिणाम हो, वन रक्षक का परिणाम हो और जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक संगणक, इन भर्तियों की परीक्षा तिथि एवं सीईटी की लिस्ट की मांग को लेकर। लेकिन साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाने के बावजूद भी बेरोजगार युवा छात्रों के काम नहीं हो रहे हैं। आज हमने सचिव से भी इस बात को रखा है कि बोर्ड में अध्यक्ष जी की नियुक्ति हो गई है, लेकिन फिर भी बेरोजगार हृदय की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगार परेशान हो रहे हैं। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे सभी युवा साथियों से कि जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक संगणक और सीईटी की जो लिस्ट है उसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि इस वीक में हम सीईटी की लिस्ट जारी कर देंगे और 7 तारीख तक हम जो कैलेंडर है भर्तियों का वो जारी कर देंगे। तो मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूँ, अगर L1 का जो परिणाम है और सीईटी की लिस्ट है और जो भर्तियों का कैलेंडर है, अगर वो जारी नहीं हो पाता है 7 तारीख तक, तो साथियों 8 तारीख को सितंबर के दिन शुक्रवार है और उस दिन तमाम मैं बेरोजगार युवा साथियों के साथ में बोर्ड पर वही सत्याग्रह करूंगा और वही अनशन पे बैठूंगा। साथियों, लगातार हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं और बेरोजगार युवा साथी लगातार बोर्ड आते हैं लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। अब साथियों, अति का अंत होने वाला है और अब हम इस मांग को लेके मजबूती से लड़ेंगे। 7 तारीख तक का हमें समय दिया है बोर्ड सचिव ने कि 7 तारीख से पहले भर्तियों का कैलेंडर और सीईटी की लिस्ट अगर जारी हो जाती है तो ठीक है। ये साथियों 8 तारीख को सभी युवा साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचना है और हम अनशन पर बैठेंगे। धन्यवाद।